सो हेलो फ्रेंड, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि अगर हम एनर्जी मैनेजर या एनर्जी ऑडिटर करते हैं तो इसके क्या क्या फायदे होने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था बीओई के ऊपर कि बीओई अगर हम कर लेते हैं यानी कि बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर तो इसके क्या क्या फायदे होने वाले हैं। ओके, तो अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई बटन में लिंक है, वो देख लीजिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। ठीक है, जो लोग बीओई एस्पिरेंट है। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एनर्जी मैनेजर या एनर्जी ऑडिटर अगर हम करते हैं तो इसके क्या क्या फायदे होने वाले हैं। फायदे कोई एक नहीं है, अनेक है, तो पूरा पॉइंट वाइज हम लोग देखेंगे। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा, वीडियो के साथ बने रहें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना समय का वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, एनर्जी मैनेजर और एनर्जी ऑडिटर ये दो सर्टिफिकेशन एग्जाम है, यानी एक ही कैटेगरी में ये एग्जाम होता है, एक ही साथ होता है, लेकिन इसमें दो सर्टिफिकेट मिलेंगे अलग अलग एग्जामिनेशन को पास करने के लिए। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में जब इसका नोटिफिकेशन आया था उसका डिटेल दिया था, फिर भी एक बेसिक जानकारी रखिए कि ये एग्जामिनेशन, ये सर्टिफिकेशन जो एग्जामिनेशन होता है एनर्जी सेक्टर में जो लोग काम करें, यानी जो लोग एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो, चाहे वो डिप्लोमा कैंडिडेट हो या बीटेक कैंडिडेट हैं, तो कुछ सर्टेन साल के बाद जब उनका एक्सपीरियंस हो जाता है तो वो ये एग्जाम दे सकते हैं। इसमें चार एग्जाम होता है, अगर आप तीन एग्जाम पास कर जाते हैं तो आप एनर्जी मैनेजर बन जाएंगे, और अगर चारों एग्जाम पास कर जाएंगे तो आप एनर्जी ऑडिटर, यानी कि आप दोनों बन जाएंगे, एनर्जी मैनेजर भी और एनर्जी ऑडिटर भी। ठीक है, तो अब इसके क्या क्या फायदे हैं हम लोग उसको एक एक करके पॉइंट वाइज समझते हैं। ओके, तो देखिए, पहला जो आपका फायदा निकल के आता है कि नॉलेज एंड स्किल डेवलपमेंट। जब कभी आप इंडस्ट्री में काम कर रहे होंगे तो आपका एक नॉलेज होगा, उस वर्किंग के हिसाब से होगा, लेकिन जब आप किसी अदर सर्टिफिकेशन एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं, उसके लिए तैयारी करते हैं, तो एक तो आप जब प्रिपरेशन करते हैं उसको नॉलेज लेते हैं, किताबें पढ़ते हैं, उस चीज़ों के बारे में जानकारी लेते हैं, तो उस चीज़ में आपका स्किल बढ़ता है, आपका नॉलेज बढ़ता है। ठीक है, आपकी इंप्रूवमेंट ऑटोमेटिक बढ़ेगी। ठीक है, अब इसके अनुसार जो कि इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड होने वाले हैं, जो इसके नॉलेज के अनुसार आपका नॉलेज होगा वो इंप्रूव होगा। ठीक है, जो इसके लिए जो जरूरी चीज़ें होती है, जैसे एनर्जी मैनेजर में आप जो ये बुक पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा कि आपकी नॉलेज होती है वो इन्हेंस हो रही है। ओके, तो और साथ में इसके साथ साथ आपका जो वर्किंग कल्चर में जैसे जैसे आप इसे अप्लाई करेंगे आपकी थिंकिंग बढ़ेगी, तो आपका स्किल डेवलपमेंट भी होगा। जैसे कि प्रिपेयरिंग एंड वर्किंग इन एनर्जी ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट कीप यू अपडेटेड विथ नॉलेज ऑन एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, रेगुलेटरी पॉलिसी एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रैक्टिस। ये चूंकि एनर्जी एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड है, ठीक है, एनर्जी सेविंग से रिलेटेड है, तो जितने भी सारे एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी होता है, रेगुलेटरी पॉलिसी होती है, रिन्यूएबल एनर्जी पे इस पर ज़्यादा फोर्स दिया जाता है, तो इसके बारे में आपको ओवरऑल एक जानकारी होगी, काफ़ी अच्छे डेप्थ में आपको नॉलेज होगी। इसके साथ है स्किल डेवलप विथ लेटेस्ट ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्री, इन्हेंसिंग योर करियर ग्रोथ। अब यदि इसके ऊपर आप काम करते हैं तो इसके साथ साथ जो लेटेस्ट ट्रेंड है, ठीक है, इसके रिगार्डिंग, एनर्जी के रिगार्डिंग, तो इंडस्ट्री में, तो वो टेक्नोलॉजी से आपका स्किल जो होगा वो डेवलप होगा, जो कि आपके करियर ग्रोथ को इन्हेंस करेगा, करियर ग्रोथ को बढ़ाएगा। ओके, तो ये एक पहला फायदा हो गया जिसमें हम लोग आपके स्किल और आपके नॉलेज को इन्हेंस करेगा। ठीक है, दूसरा हो गया हाई डिमांड ऑफ इस। अब देखिए, ये एनर्जी मैनेजर और एनर्जी ऑडिटर का ऐसा स्किल है कि ये आए दिन आपके इंडस्ट्री में इसका जो डिमांड है वो इंक्रीज होता ही रहेगा, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री जो है वो बिना एनर्जी, यानी कि बिना इलेक्ट्रिकल एनर्जी के तो वो चलती नहीं है, और आए दिन जितनी भी सारे एनर्जी सेक्टर वाली जो कंपनियां हैं वो अपने एनर्जी कंजम्पशन को रिड्यूस करना चाहती है। ठीक है, एनर्जी की खपत को वो कम करना चाहती है, ठीक है, और साथ में साथ अपने प्लांट को एफिशिएंट रखना चाहती है, और साथ में ये आपका एनर्जी मैनेजर की जब आप बुक पढ़ेंगे तो इसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि जो डेजिनेटेड कंज्यूमर होते हैं उसमें एक एनर्जी मैनेजर को रखना जरूरी है। ठीक है, ये कंपलसरी है, मैंडेटरी है, जो भी डाटा रिलेटेड वर्क करेंगे एनर्जी मैनेजर से रिलेटेड, एनर्जी एफिशिएंट से रिलेटेड, वो सभी एनर्जी मैनेजर ही करेंगे। ठीक है, सारा रिपोर्टिंग का काम उन्हीं का होता है, तो ये एक मैंडेटरी है जो आने वाले दिन में और भी ज़्यादा ये इम्प्लीमेंट होता जाएगा। ठीक है, इसकी डिमांड जो होती है वो बढ़ती जाएगी, तो ये इस स्किल का एक तो डिमांड बढ़ेगा जो कि आपके करियर ग्रोथ को इन्हेंस करेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ लिखा है, देयर ग्रोइंग डिमांड ऑफ स्किल प्रोफेशनल इन एनर्जी मैनेजमेंट एंड ऑडिटिंग एज कंपनी एम टू इम्प्लीमेंट एनर्जी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिस। क्योंकि जो भी कंपनियाँ वो चाहती है कि जो भी उनके प्लांट में एनर्जी कंजर्वेशन हो, जो भी रूल्स रेगुलेशन हो वो फॉलो हो, और साथ में वो सस्टेनेबल रहे हो। ओके,
नेक्स्ट क्या फ़ायदा है कि करियर ग्रोथ एंड जॉब अपॉर्चुनिटी, अगर आप ये एनर्जी मैनेजर या एनर्जी ऑडिटर करते हैं तो आपकी स्किल इंप्रूवमेंट हुई, आपकी नॉलेज इंप्रूवमेंट हुई, आपका वर्किंग एक्सपीरियंस इन्हेंस हुआ, ठीक है, आपकी CV इंक्रीज हुई, तो एक तरह से आपका करियर ग्रोथ और जॉब अपॉर्चुनिटी के जो चांसेस होंगे वो ज़्यादा होंगे, ठीक है। जैसा कि द स्कोप ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट एंड ऑडिटिंग इज एक्सपेंडिंग एंड इंडस्ट्री इंक्रीजिंग फोकस ऑन कटिंग एनर्जी कॉस्ट। अब ये जितनी भी सारी कंपनियां होती हैं, जो जो बड़े बड़े प्लांटें हैं, वो चाह रही है कि आपके जो एनर्जी कॉस्ट है वो उसको रिड्यूस करे, कट करे, तो इसके लिए जो एनर्जी मैनेजमेंट के जो कैंडिडेट होते हैं उसको वो हायर ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, ओके। तो इससे करियर ग्रोथ के चांसेस जो होते हैं, जो लोग ये किए रहते हैं उनका बढ़ जाता है। नेक्स्ट है एन एनर्जी, एज एन एनर्जी मैनेजर एन एनर्जी ऑडिटर यू कैन वर्क इन सेक्टर लाइक मैन्युफैक्चरिंग, IT, रियल इस्टेट एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगर ये कर लेते हैं तो इन सभी सेक्टर में आपको काम करने का मौका मिलता है, ठीक है, चांसेस बढ़ते हैं। 4 नंबर है कॉस्ट सेविंग फॉर ऑर्गेनाइजेशन। अब यदि मान लीजिए ये पूरा एनर्जी मैनेजर और एनर्जी ऑडिटर, ये पूरा कॉस्ट सेविंग, रिन्यूएबल एनर्जी और पूरी एनर्जी पॉलिसी के ऊपर होता है, ठीक है, एजुकेशन। तो यदि आप इसके बारे में अच्छे से नॉलेज हो जाता है तो आप अपने इंडस्ट्री में जहाँ कहीं पर भी आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पर कॉस्ट कटिंग से रिलेटेड आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का काम करेंगे, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा होगा और आपके करियर भी इम्प्रूव होगी, आपका भी इम्प्रूवमेंट होगा, ओके। तो इसमें क्या है कि द रिपोर्ट एंड एनालिसिस प्रोवाइडेड बाय एनर्जी ऑडिटर एंड मैनेजर हेल्प ऑर्गेनाइजेशन कट डाउन ऑन एनर्जी एक्सपेंस, बूस्टिंग एफिशिएंसी एंड प्रोफिटेबिलिटी। अब अगर आप एनर्जी को कट करते हैं, एनर्जी कंजप्शन को कम करते हैं, तो जिससे प्लांट की एफिशिएंसी जो कि वो इंक्रीज करेगी, ठीक है, प्रॉफिट में रहेगी, तो इससे आपका भी फायदा होगा, ठीक है, आपकी भी जो होगी करियर ग्रोथ होने में उस कंपनी में सहायता मिलेगी, ओके। नेक्स्ट है इन मेनी केसेस एनर्जी सेविंग रिजल्ट इन सस्टेनेशियल फाइनेंशियल सेविंग मेकिंग योर रोल्स इवन मोर वैल्यूएबल टू कंपनी। तो आप कंपनी के लिए एक वैल्यूएबल एसेट भी बनेंगे, ठीक है, क्योंकि कंपनी के लिए आप एनर्जी कंजम्पशन को रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। नेक्स्ट है पॉजिटिव इन्वायरमेंट इम्पैक्ट, बाय फोकसिंग ऑन एनर्जी कंजर्वेशन यू कंट्रीब्यूट टू रिड्यूसिंग पॉल्यूशन एंड ग्रीन हाउस गैस इमिशन। अब देखिए इस बारे में यदि आपको नॉलेज होता है तो आप यदि जैसे किसी कंपनी में काम कर रहे हैं वहाँ पे एनर्जी कंजम्पशन को रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, एफिशिएंसी को वहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप पॉल्यूशन को भी कंट्रोल कर रहे हैं, अपने इन्वायरमेंट में अपना रोल अदा कर रहे हैं, ठीक है, तो जिससे ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन को भी आप रिड्यूस कर रहे हैं, जिससे एक इन्वायरमेंट पर एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, उसमें भी आपका ये कंट्रीब्यूशन रहता है, ओके। नेक्स्ट यू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन अचीव ग्रीन सर्टिफिकेशन एंड अडॉप्ट सस्टेनेबल प्रैक्टिस विच बेनिफिट बोथ द प्लानेट एंड कम्युनिटी इन लॉन्ग रन। अब जैसे कि आप इन्वायरमेंट में अपना ये रोल अदा कर रहे हैं, उससे एक तरह से लॉन्ग टर्म में आपको प्लानेट और कम्युनिटी दोनों को फ़ायदा मिल रहा, ओके, साथ में प्लांट के लिए जो ग्रीन सर्टिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मिलता है तो वो भी मिलते रहते हैं, जिससे कंपनी की रेपुटेशन जो होती है वो इनकी वजह से इम्प्रूव होती है, इंक्रीज होती है, ओके, जो कि करियर प्रोग्रेशन के लिए या कंपनी के देखे या खुद का देखे वो जरूरी है, ओके। नेक्स्ट है कंपिटिटिव सैलरी एंड फाइनेंशियल रिवार्ड। अब जाहिर सी बात है कि अगर आपके पास कोई अलग स्किल है, अलग सर्टिफिकेशन है, तो आपकी कंपिटिटिव सैलरी भी इंक्रीज होगी, साथ में फाइनेंशियल रिवार्ड भी, जैसा कि आप जैसा काम करेंगे एनर्जी सेक्टर में रिलेटेड, आपकी आपको रिवार्ड भी किया जाएगा, ओके। बहुत सारी कंपनियां जो होती है वो कमीशन या बोनस वगैरह भी देती है, जैसा कि आप सेविंग वगैरह करते हैं। नेक्स्ट है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जैसा कि एनर्जी ऑडिटर आप कर लेते हैं, कहीं पे आप जैसे काम अब नहीं करना चाहते हैं किसी के अंडर में, तो आप अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी चालू कर सकते हैं, बहुत सारे कंसल्टेंसी से मिलकर या उसको स्टार्ट करके आप अपना एक ऑर्गेनाइजेशन चला सकते हैं ऑडिट का। जैसे देखिए यू कैन ऑल्सो चूज टू वर्क एन इंडिपेंडेंट एनर्जी ऑडिटर ऑफरिंग कंसल्टेंसी सर्विस टू मल्टीपल क्लाइंट, ठीक है, तो इसमें आप अपना एक करियर प्रोग्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेल्फ एम्प्लॉयड ऑडिटर एंड मैनेजर कैन अर्न वेल वाइल हेल्पिंग क्लाइंट इम्प्रूव देयर एनर्जी एफिशिएंसी। जैसा कि वो एनर्जी सेक्टर में काम करेंगे, उनकी एनर्जी एफिशिएंसी को इंक्रीज करेंगे, तो उस सेक्टर में काम करके एक अच्छा खासा अर्निंग भी वो कर सकते हैं, ओके, अपने खुद बेसिस पे, ठीक है। तो ये इसके इतने सारे जो होते हैं फायदे हो जाते हैं यदि अगर हम एनर्जी मैनेजर या एनर्जी ऑडिटर करते हैं, ओके। तो आप कभी मान लीजिए किसी के मन में अगर ये आता है कि अगर हमें ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो देखिए कोई भी सर्टिफिकेशन एग्जाम अगर हो रहा, अगर आप उसके लिए एलिजिबल है तो आप उसको करिए, हो सकता है अभी आपको फ़ायदा उसको तुरंत इम्पैक्ट ना मिले, उसका इफेक्ट ना मिले, ओके, लेकिन आने वाले समय में आपको उसका कहीं ना कहीं ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। आपके पास कुछ नहीं होने से अच्छा है कि आप अपने सर्टिफिकेट को
इंक्रीज कीजिए। जैसे जैसे आप रेपुटेड कंपनी में काम करेंगे वहाँ पर आपको इसका जो वैल्यू होगा वो आपको पता चलेगा, इसके महत्व को आप समझेंगे, ठीक है, और इसका बेनिफिट जो होगा वो आने वाले दिन में आपका जरूर कहीं ना कहीं जरूर होगा। ओके, तो ये ना सोचें कि हमें ये करना है या नहीं करना है। अगर आप इलिजिबल है या आपके दोस्त या आपके कलीग इलिजिबल है तो उन्हें भी बताएं और उनके साथ भी ये वीडियो शेयर करें ताकि वो अगर इलिजिबल है तो वो इसे जरूर करें। ओके, तो यही हो गया आज के वीडियो में। आई होप कि ये छोटी सी जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।